हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डॉल्फिन नोज लाइट हाउस को, जो कि सिचुएटेड है डॉल्फिन हिल विशाखापट्टनम पे। ऑल्दो ये प्लेस वाइजाग सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, बट स्टिल ये विशाखापट्टनम की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। तो अराउंड 2 o'clock हम डॉल्फिन नोज लाइट हाउस के एंट्री गेट में पहुँचते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी एक लंबी लाइन लगी हुई है। वैसे तो यहाँ कोई प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, बट हाँ, आपको जहाँ जगह मिले आप वहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो शार्प 2:30 एंट्री गेट्स ओपन होते हैं एंड 10 rupees पर पर्सन टिकट लेकर हम अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक गार्डन एरिया बना हुआ है जो कि बहुत ही प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है। हिल टॉप पर होने की वजह से यहाँ से काफी सुंदर नज़ारे दिखते हैं वाइजाग सिटी एंड सी व्यूज के। यहाँ पर ना शूज अलाउड नहीं, तो शूज भी नीचे आपको उतारने पड़ेंगे। एंड देन आप जल्दी से भाग के ऊपर जाओ, फोटोज खिंचाओ और आ जाओ। सामने जो आपको दिख रहा है यही है डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए अराउंड 65 स्टेयर के स्टेप्स हैं एंड सबसे टॉप पे तो एक सिंगल स्टेयर है जो कि काफ़ी नैरो है एंड उस पर एक टाइम पर एक ही बंदा चढ़ या उतर सकता है। एंड दैट्स वाई स्टेयर्स पे भी नॉर्मली 20 से 30 मिनट्स की वेटिंग तो आपको मिल जाएगी। तो यार ये व्यू आता है लाइट हाउस के एकदम टॉप से। ये सामने क्या है? ऐसा डर सा लग रहा है। चलो यार चलते हैं। आई थिंक गाइस उस तरफ है ये रेडा बीच, अभी हमें वहाँ भी जाना है। यानी पूरे ईस्टर्न घाट्स, पूरे पहाड़ हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस नीचे लाइन कितनी लंबी बन चुकी है। एक्चुअली ना काफ़ी छोटा रास्ता है एंड लास्ट में तो पतली सी सीढ़ी से वन टाइम एक बंदा आ सकता है, तो लाइन तो लग जाती है। एंड 5 मिनट यहाँ रुक सकते हैं। पूरा विशाखापट्टनम का व्यू। तो वो रहा ऊपर लाइट हाउस, वहाँ पर काफ़ी लोग चढ़े हैं। हम जस्ट आ गए वहाँ से। यार यहाँ पर ना 4 बार लाइन लगानी पड़ती है। एक बार ये लंबी लाइन यहाँ लगी है, एक गेट पे लगती है मेन गेट पे, एक सीढ़ियों में जाके लगती है एंड एक उस पॉइंट पे भी जाके लगती है, क्योंकि यहाँ से ना एक पतली सी सीढ़ी से ऊपर तक जाती है, तो वहाँ से एक बार में एक ही बंदा जा सकता है। तो और ज़्यादा 5 मिनट बस वहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हो। बस एक व्यू है वो आप देख सकते हो, लेकिन उस व्यू को देखने के लिए आपका आराम से 45 मिनट्स तक तो जाएंगे, और इनकेस अगर भीड़ होगी तो 1 घंटा भी हो सकता है। तो कितनी लंबी भीड़ है, और वही सेम व्यूज़ यहाँ से भी आ रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, अच्छी जगह है, एक बार तो विजिट करना बनता है, तो आ जाइए। तो यहाँ से हमने ऑटो बुक कर रखा था, अभी तो पहले ही जाके बैठ जाएंगे बीच में। हाँ जी,